नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे बयान की जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव की ओर से जिस तरीके से बयान दिए गए थे इस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है और अब बीजेपी इस पर मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिए थे और इसी इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बालधारी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, जिस पर अब बवाल खड़ा हो चुका है। सबसे पहले आप सुनिए लालू यादव ने आखिर क्या कुछ कहा है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। चंद्रमोहन, पीएम मोदी को परिवारवाद पर जवाब देते थे, कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद यादव खुद ही मुश्किलों में घिर जाए। बिल्कुल, और लालू यादव मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कल जब रैली चल रहा था जनविश्वास रैली गांधी मैदान में, उसी में लालू यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए यह कहा कि जब उनके मां का निधन हुआ था तो उन्होंने बाल दाढ़ी तक नहीं बनवाया, तो ऐसे में कैसे वो हिंदू हो सकते हैं। जबकि पूरा देश और बीजेपी साफ तौर पर यह कहते रही है कि सनातन का झंडा अगर कोई किसी ने बुलंद किया है और आगे किसी ने बढ़ाया है तो उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो सीधे तौर पर जैसे ही लालू यादव का यह बयान आया है उसके बाद से बीजेपी और तमाम जो एनडीए गठबंधन के दल हैं वो लालू यादव को कटघरे में खड़ा करें, उनके ऊपर सवाल खड़े करें कि लालू यादव आखिर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं लालू यादव का जो पहले का सत्ता रहा, पहले का शासन रहा है जिसमें लालू यादव खेलने के अंदाज में, एक तरह से कहा जाए कि जोकर होने के अंदाज में इस तरह का बयान दिया करते थे, सीधे तौर पर ये एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव का परिवार ये बयान जो है लालू प्रसाद यादव का, ये वाकई बहुत किरकिरी करवा रहा है लालू प्रसाद यादव की। लेकिन लालू यादव के बयान का आरजेडी ने बचाव किया है जबकि जेडीयू ने इस पर पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने विवादास्पद बयान देने में हद ही पार कर दी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल जिस तरह से जनसैलाब जनविश्वास महारैली में आया तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जनता से कहा कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हिंदू धर्मों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि उसका पालन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो वो हिंदू कैसे हो गए। तो उदाहरण के साथ उन्होंने कहा, माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के फूहड़पन के प्रतीक है, इतिहास गवाह है, सत्ता के मद में जब ये थे तो पोथी पतरा जलाते थे और जब जेल आना जाना शुरू हुआ तो इनको भगवान याद आ गए। इसके पहले तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक परंपराओं की धज्जी उड़ाते थे। चंद्रमोहन, लालू प्रसाद यादव पर राजनीतिक फूहड़पन का आरोप लग रहा है, कहां मुद्दों पर बात होनी चाहिए और कहां इस तरह की बातें हो रही हैं। और यही वजह है कि लालू यादव का जब ये बयान आया है उसके बाद से चारों तरफ वो घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेडीयू उनको घेरने में लगी है तो वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल लालू यादव जो है वो परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर पहले से लगते रहा है। पहले लालू यादव सत्ता में आए, फिर अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए और अब बेटा को कहीं ना कहीं वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि कल वहाँ पर रैली भी बुलाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव का घोषणा होने जा रहा है और ऐसे में इस तरह के वार और पलटवार जरूर देखने के लिए मिलेगा। आज से दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब औरंगाबाद में पहुंचे थे तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि
जो अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटे को आगे तो जरूर बढ़ा दिए, कुर्सी जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो अपने पुराने सत्ता का याद नहीं दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर हमला किया था। नीतीश कुमार भी इससे पहले परिवारवाद पर ही हमला करके और उसके बाद वो महागठबंधन से अलग हटे थे। तो ये पूरा कुनबा जो है आरजेडी का, वो परिवारवाद से घिरा हुआ है और यही वजह है कि उनके ऊपर जब भी कोई सवाल उठता है तो वो इसी तरह का वार और पलटवार शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि कल जब रैली की शुरुआत हुई थी, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे महागठबंधन के, जिसमें लालू यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते हुए और इस तरह की बातें कही। हालांकि इस बयान के बाद बिहार में बवाल जरूर शुरू हो गया है और सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो लालू यादव को कटघरे में खड़ा कर रही है, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। जी शुक्रिया चंद्रमोहन।